हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे समझें कि लड़की आपसे पटना चाहती है। तो आज की वीडियो से आप देखते हैं दोस्तों। देखो, वो कहावत है ना कि छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे गिरे, मतलब तो कटने से है ना। मतलब कि आप लड़की के पीछे भागो या लड़की आपके पीछे भागे, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि एक रिलेशनशिप हो जाए। तो अगर कोई लड़की आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको खुद अपनी तरफ से कुछ साइन दे रही है, कुछ हिंट दे रही है, तो आप उसे कैसे समझ सकते हो कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपसे बढ़ना चाहती है। तो आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए, नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर लड़की आपको स्कैन करती है, फ्रेंड्स देखो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों को स्कैन करना शुरू कर देते हैं कि लड़की देखे नहीं और वहीं फिसल गए, और उसको ऊपर से नीचे तक इस तरीके से घूरते हैं जैसे कि उन्होंने कभी लड़की ही नहीं देखी। इसी तरह से कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं जो लड़के को स्कैन करती हैं, मतलब कि लड़के का पूरी तरह से चीरफाड़ कर देती हैं। उनको भी अच्छा लगता है लड़के को घूरना, इस तरह से ऊपर से नीचे तक स्कैन करना। तो जब लड़की आपको इस तरह इस नज़र से देखने लगे, आपको लगे कि हाँ कि वो कहीं ना कहीं आपको नोटिस कर रही है, आप जहाँ भी जाते हो उसकी नज़रें आप पर गड़ी होती हैं, आप पर वो एक तरह से हर तरीके से नज़र रखती है, तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं आप में इंटरेस्टेड है, वो आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि जब लड़की आपके साथ कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक होने की कोशिश करने लगे, रोमांटिक होने की कोशिश मतलब कि आपके साथ किसी रोमांटिक मूवी को देखने के लिए आपको फोर्स करना कि चलो ना वो मूवी देखते हैं, ठीक है, या फिर किसी रोमांटिक टॉपिक्स के ऊपर आपसे बातें करने लगना, रोमांटिक वीडियो के ऊपर बात करना, या आपके साथ में ज़्यादातर रोमांटिक गाने गुनगुनाना या फिर फ़ोन में चला देना, ठीक है। इसके अलावा आप ये चीज़ भी देखेंगे कि कोई डे है या फिर बिना किसी ओकेजन के वो आपको कोई रोमांटिक गिफ्ट दे रही है, तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में अपनी फीलिंग्स आपको बताने की कोशिश कर रही है कि वो आपके लिए सीरियस है और आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट ये भी होता है कि जब लड़की किसी लड़के को पसंद करने लगती है तो वो उस लड़के के करीब आने की हजारों कोशिश करती है, ठीक है, वो एक भी मौका नहीं छोड़ती उस लड़के से दूर होने का। जैसे ही उसको मौका मिलता है, ठीक है, वो किसी ना किसी काम के बहाने आपके पास आ जाती है, ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश करती है, तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इसके अलावा लड़की की फीलिंग्स को जानने का एक तरीका ये भी है कि जब लड़की छोटे छोटे जवाब के बजाय बड़े बड़े या लंबे लंबे जवाब आपको दे, लाइक जैसे कि आप उससे चैटिंग के थ्रू बातें कर रहे हो, ठीक है, जिस सवाल का जवाब आपने कुछ पूछा कि क्या कर रहे हो, तो उसका जवाब वो नॉर्मल सिंपल के ये काम कर रही हो, इसके बजाय वो कुछ लंबा चौड़ा सा टाइप करके आपको भेज रहे, ठीक है, तो इट मीन्स आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं वो अपनी कन्वर्सेशन को, अपनी बातचीत को ज़्यादा देर तक एक तरह से रोक कर रखना चाहती हैं, ठीक है, ताकि वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिता सके। तो इससे आप समझ सकते हो कि लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। इसके अलावा जब लड़की आपके साथ बहुत ज़्यादा मीठी होने की कोशिश करे, मतलब मीठा बनने की कोशिश करे, देखिए ये चीज़ आप कैसे देखेंगे कि जैसे कि और लड़कों से बात करती है तो वो नीम की तरह, करेले की तरह बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है, मतलब कि उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड रहता है, लेकिन जैसे ही उसे आपसे बात करने का मौका मिलता है वो बहुत ज़्यादा मीठी बन जाती है, जलेबी की तरह स्वीटनर उसकी बातों में आपके लिए होती है, वो बहुत ज़्यादा प्यार से आपको ट्रीट करती है, उसका बिहेवियर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि लड़की के दिल में आपके लिए फीलिंग्स आने लगे हैं, ठीक है, और ये चीज़ आपको तब पता चलेंगी जब आप उसको एक तरह से अपने और दूसरे लड़कों से कंपेयर करोगे कि वो जब आपके साथ होती है तो उसका बिहेवियर कैसा होता है, और वो और लड़कों से बात करती है तो उस टाइम पे उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।